हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग रेशियो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ पर आपको बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ रखे हुए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो भी हैं आपके सैनिक स्कूल्स, आर्मी स्कूल्स और नवोदय मिलिट्री स्कूल्स से रिलेटेड ही बुक्स से रखे हुए हैं। मैं सिंपल वो जो आपकी स्कूल्स की बुक्स होती हैं उसमें से कम ही रखता हूँ। एक दो क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि हटके हैं जो उन बुक्स में नहीं हैं उनको ही मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। तो आप लोगों को आज इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल है और रेशियो में जैसा कि मैंने समझाया था, तो एक छोटा सा पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ हम लोग चलेंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, क्योंकि आप जितना अच्छे से क्वेश्चन को रीड करोगे आपको उतना अच्छे से ही उसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। सैलरीज ऑफ विवेक एंड अनमोल, जो विवेक और अनमोल की सैलरी है वो ₹1400 एंड ₹1600 है, ठीक है। इसके बाद उसने पूछा क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज, यानी हमें उनकी सैलरीज का जो ये जो सैलरीज दी गई हैं इनका रेशियो बताना है, ठीक है। तो आपको पता है दोनों की सैलरीज क्या है, यानी कि विवेक अपॉन अनमोल, मैंने आपको बताया है, यानी आप लोग ऐसे अनमोल लिख सकते हो, फिर बाद में जब आपका आंसर आ जाए तो आप उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। विवेक का आपका दिया हुआ है आपका 1400, क्योंकि जो चीज़ें लाइन से दी जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना। पहले विवेक का नाम है तो पहले विवेक की सैलरी होगी, इसके बाद अनमोल की 1600। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 1010 1010 कट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको एक ही टेबल से डिवाइड करेंगे, यानी 2714 और 2816, ठीक है। अब हमसे जो रेशियो पूछा गया था, विवेक की सैलरी का रेशियो और अनमोल की सैलरी का रेशियो, तो वो निकल के आपका क्या आ गया, 7:8। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये फर्स्ट करवा दिया। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि इसी के साथ आपके क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाएगा। चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको किस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ, अजम्पशन। क्वेश्चन नंबर ए में सबसे पहले तो आप देखिए उसमें लिखा क्या, उसको समझिए कि क्या कह रहा है, क्योंकि जैसे ही आप इस क्वेश्चन को समझ लोगे आप आंसर कर लोगे, और यदि आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा तो आप इसका आंसर बिल्कुल नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। कैसे, 3/48 इज वाट पार्ट ऑफ 1/12, यानी कि जो 3/48 लिखा हुआ है ये रिजल्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो हम रिजल्ट के तौर पे इसको लिख लेते हैं 3/48। अब पूछा क्या गया है, इज वाट पार्ट ऑफ 1/12, हमें मालूम नहीं है कि ये 1/12 का कौन सा पार्ट है, ठीक, हमें नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो 1/12 है इसको हम उस साइड भेज देंगे, इक्वल के उस साइड। तो जैसे ही हम 1/12 को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो आप सब लोग जानते हो कि क्या होता है, इक्वल की इस साइड जो भी साइन होता है वो उस साइड चेंज हो जाता है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा आपका ये 1/12, यानी डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया हुआ है कि कभी भी अगर दो फ्रैक्शन डिवाइड के फॉर्म में लिखी हुई हैं तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड की जगह और देन आपका जो लास्ट फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे, यानी कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ वैसा ही किया है। और आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप चाहो तो यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया है, अगर आपको टेबल आ रही है 12 1 12 और 12 4 आपका होता है 48, यानी अब आपका क्या बचा है, क्वेश्चन मार्क इक्वल बचा है 3 × 1/4 × 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 3/4। ये आपका आ गया आंसर, यानी कि जो पूछा गया है 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12, तो 3/48 3/4 पार्ट ऑफ 1/12, यानी कि ये पार्ट है आपका 3/48 1/12 का, इतना वाला पार्ट है, यानी कि अगर हम 3/4 इधर रख देंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ए, इस तरीके से करना था, क्योंकि उसने पूछा क्या था कि 1/12 का कौन सा पार्ट है 3/48, तो हमने उसको फाइंड आउट किया, पता नहीं था तो हमने उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क ही माना है। और बस बाकी का आपको क्या करना है, बस चीज़ों को इक्वल के उस साइड ले जा करके डिवाइड जो है उसके बाद उसको सॉल्व करना, जैसा कि आपने फ्रैक्शन में किया था। मैंने आपको इसीलिए बताया है कि हर एक टॉपिक लाइन बाय लाइन, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें और
लगातार कंटिन्यूस में चलती है, क्यों? क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है। अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन का ये टर्म आ गया, अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं पढ़ाता सीधा रेशियो पे ले जाता तो आप क्या करते, कर पाते? नहीं कर पाते। और सबसे पहली चीज ये है कि रेशियो पढ़ना ही, रेशियो में स्टार्टिंग ही फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए उसके बाद आ जाए ना आप उसको रेशियो में लिखिए तो वो बहुत अच्छे से आता है उसका आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर सी को अच्छे से पढ़ेंगे, सिंपल है लेकिन फिर भी देखना जरूरी है। अ टीम वॉन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 3 गेम्स, फाइंड रेशियो। अब एक्चुअली मेरा थोड़ा सा गला खराब है। एक टीम है उसने 6 गेम्स जीते और लॉस्ट 3 गेम्स, यानी 3 गेम्स वो हार गई है। फाइंड रेशियो, अब रेशियो क्या बताना है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेशियो में, यानी सी का फर्स्ट ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी। यानी वॉन गेम्स कितने हैं आपके? 6। और आपके जो लॉस्ट गेम्स हैं जिसमें वो हार गए हैं टीम जो है, वो नंबर ऑफ है 3। यानी कि टोटल गेम जो हुआ है ये भी तो पता होना चाहिए, टोटल गेम आपका क्या हुआ है? 9, क्योंकि 6 वॉन हुए हैं 3 लॉस हुए हैं, तो टोटल 9 हुए हैं गेम्स, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस में अगर पूछा जाए या ना जाए, लेकिन आप इस चीज़ को पहले से ही फाइंड आउट करके रखा करो। चाहे अब ये क्वेश्चंस बनते कैसे, यहाँ टीम के गेम्स के वॉन या लॉस्ट की बात है, यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो सकती है, स्टूडेंट्स की बात हो सकती है, स्कूल्स में बॉयज़ इतने हैं गर्ल्स इतनी हैं, टोटल स्टूडेंट्स अलग दिए जाएंगे, उनका रेशियो पूछा जाएगा, तो किस तरीके से करते देखते हैं। फर्स्ट आपका है द गेम्स लॉस्ट टू द गेम्स वॉन, गेम्स लॉस्ट टू द गेम्स वॉन, तो मतलब पहले हमें लिखना है लॉस्ट रेशियो, देन आपका कितने, कौन सा गेम आना है? वॉन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो लॉस्ट गेम्स आपके कितने हैं? 3। और जैसा कि मैंने बताया था सैलरी वाले, उसमें पहले आप इसको अपॉन में लिख लीजिए, और वॉन आपके हैं 6, डिवाइड कर दीजिए, 1/2 आ गया, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:2, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है, पहले फर्स्ट वाला फिर देन आपका सेकेंड वाला, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सेकेंड की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया ना, लॉस्ट जितने हमने लॉस्ट गेम किए थे और वॉन जितने हमने वॉन किए थे, सॉरी हाँ नहीं सही है, ऊपर लॉस्ट ही है। द गेम्स वॉन द गेम्स प्लेड, गेम्स वॉन और गेम्स प्लेड, मैंने आपको बोला था पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, पूछता है जरूर, एक क्वेश्चन होता है इसमें कि आपने कितने गेम्स वॉन किए और कितने प्लेड, यानी कितने आपने खेले। वॉन हुए थे आपके 6, टोटल आपने खेले कितने, वो मैंने आपको निकाल के बताया 9, तभी तो 6 वॉन किए, तभी तो 3 लॉस्ट हुए, नहीं तो 9 नहीं होते तो कैसे होता। अब आप इसको कट कर लीजिए, 3 2 6, 3 3 9, यानी आपका रेशियो निकल के आ गया वॉन रेशियो प्लेड, इनका रेशियो निकल के आ गया 2:3, ये आपका आंसर आया। ये एक टाइप क्वेश्चन का है, इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बताया है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे चीज़ें ऐसी ही होंगी कि कोई बैडमिंटन खेलना पसंद करता है, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, फिर होगा कितने स्टूडेंट्स होंगे, टोटल स्टूडेंट्स दे देगा, फिर उसमें से पूछा जाएगा हु लाइक प्ले क्रिकेट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसका रेशियो बताइए। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से किस किस चीज़ के रेशियो पूछे। सबसे पहले उन चीज़ों को आप मेंशन कर लीजिए जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन देता है, और इसके बाद जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो भी रेशियो में, उसका आप ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ उसने पूछी है वो हमारे पास है या नहीं, नहीं है तो पहले उसको फाइंड आउट करिए, देन आप रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो तभी निकलेगा जब आप उन चीज़ों को पता करोगे, आपको पता होनी चाहिए वो चीज़ें जो जिसका रेशियो पूछा गया है। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि रेशियो निकालना हमेशा एक ही यूनिट पे, मैंने कल आपको बताया था कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट पे ही निकलेगा, अगर अगर अलग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होंगी वहाँ रेशियो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चंस भी आपके नोट हो जाएं, और ये आप इसका भी थोड़ा सा ले लीजिए तो ये सॉल्व आपके सामने आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप इतनी देर में, तो आजकल स्क्रीनशॉट में तो क्या 3 फिंगर्स का यूज़ है, या वॉल्यूम कीज इस तरीके से जो आपके कीज होते हैं उसके थ्रू आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर डी की तरफ हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर डी आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। अ नंबर 81 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:7, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है।
चीजें समझिए, अ नंबर 81 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी 81 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो भी रेशियो आपका दिया गया है, ये मान लीजिए ए और बी, इनको देना है 81 रुपीज, रुपीज ही मान लीजिए, और ये है 2 और ये है 7, ये रेशियो दिया गया है। आप देंगे तो इन दोनों का टोटल जितना होगा वो 81 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर किसी को रुपए देंगे तो जितना इसको देंगे जितना इसको देंगे अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रुपए पता चल जाएगा हमने कितना दिया। तो ऐसे समझ लीजिए कुछ इसी तरीके से कि हमने 2 इसको दिए थे, 7 इसको दिए थे, यानी टोटल हमने 9 रुपीज़ दिए, और 9 जो है आपके टोटल हैं वो कितने रुपए के इक्वल हैं? 81, ये दिया हुआ है। आप इसी तरीके से समझिए, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैंने ढूंढा है। और आप अगर सोचो कि मैं इसको एक्स वगैरह मान के बताऊं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपका स्कूली एग्जाम के लिए सही हो सकता है कि मैं उसको एक्स मानूँ, इसको एक्स मानूँ, फिर मैं एक्स एक्स को ऐड करूँ, उसके इक्वल करूँ। सीधा सीधा समझिए ना, 2 और 7 को ऐड किया 9 हो गया, 9 टोटल है और आपको टोटल दिया गया कितना कि 81 हो रहा है, 81 को डिवाइड करना है, ठीक है। जब 9 81 के इक्वल है तो 1 कितने के इक्वल होगा? 81/9, यानी कि 9 9 81 9 आ गया आपका। कैसे? मैंने आपको डिवाइड के फॉर्म में पढ़ाया, डिवाइड के टॉपिक में बताया था कि मोर देन वन से अगर थिंग्स के रेट दिए गए हों और आपको वन थिंग्स का निकालना हो तो आपको डिवाइड करना है। तो 9 का दिया है, 1 का पूछा है, निकाल दिया, ठीक है। अब भाई 9 हो गया 1 के इक्वल, ध्यान रखना इसको आपने 2 दिए थे, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्योंकि हमें तो 1 का पता है, 2 का थोड़ी ना है, तो ये कितना हो जाएगा? 18। इसको 7 दिए थे तो 9 से इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 का पता है, तो 7 अगर दिए होंगे तो कितने दिए होंगे? 63, ठीक। अब मालूम चल गया। अब उसने क्या कहा है, ये हो गए आपके नंबर्स निकल के आ गए, ये नंबर्स आ गए हैं आपके जिसमें उसने डिवाइड किया था। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अब भैया इन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट का मतलब आप लोगों को मैंने बताया भी था, अगर आप लोगों के माइंड में अभी भी क्लिक कर गया होगा कि प्रोडक्ट का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई के टॉपिक में आपको पढ़ाया भी था कि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट लिखाओ या मल्टीप्लाई लिखाओ एक ही बात है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 3 = 54, 5 कैरी आ जाएंगे आपकी, 18 6 = 100 आपका 8 हो जाएगा, और 8 में आप ऐड कर दोगे 113, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ गया दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, सही है, सही से समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर ई आपको कहता है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:7 सो दैट द रेशियो बिकम्स 2/5। बिल्कुल अच्छे से समझना, उसने कहा है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड ऑफ ईच टर्म, यानी आपको 3/7 जो रेशियो दिया गया है उसमें यह बोला गया है कि इसमें क्या सबट्रैक्ट कर दें कि आपका जो रेशियो है बिकम्स 2/5 हो जाए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में कोई भी चीज हो सेम चलती है, मल्टीप्लाई होगा तो सेम, डिवाइड होगा तो सेम, ऐड सब्ट्रैक्ट, तो जो नंबर हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वही नंबर हम इसमें से करेंगे। तो अब यहाँ मानेंगे हम एक्स अजम्पशन के तौर पर, और एक्स ही मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो बन गया है इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, समझिए। पहले हम क्या करेंगे, 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 का करेंगे 3 में, यानी 5 3 = 15, माइनस 5 का एक्स में करेंगे आपका आ जाएगा 5x इक्वल, 2 का करेंगे 7 में आपका आएगा 14, माइनस 2 का एक्स में करेंगे आपका आ जाएगा 2x, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम डिजिट्स को एक साइड कर लेते हैं, सेम को एक साइड कर, यानी वेरिएबल्स जो हैं आपके ये अलग हो जाएंगे, ये आपके अलग हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 5x - 2x, यानी हमने इसको इधर पहुँचा दिया, ठीक है। और इसको करना है यहाँ पे तो 15 - 14 आपका आ जाएगा 3x = 1, यानी x इक्वल आपका आ जाएगा 1/3, क्योंकि x के साथ 3 मल्टीप्लाई में ऐसे चला जाएगा तो डिवाइड में x की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई, और यही आपका आंसर है। यानी आप 1/3 इन दोनों टर्म में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका जो रेशियो बनेगा आने वाला वो आपका 2/5 हो जाएगा। यही उसने पूछा, ये क्वेश्चन आपका मिलिट्री स्कूल्स में आया हुआ है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें आपके रेशियो में से कि आपका जो टर्म है जो बिकम्स रेशियो आ जाए वो आपका 2/5 आ जाए। तो जैसा उसने कहा हमने सब्ट्रैक्ट के लिए बोला तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, उसमें आपसे बोला गया है कि आप
मैं इसके बाद एफ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन नंबर जी पे जाना चाहूंगा क्योंकि सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, उसको आप समझ लीजिए। व्हाट मस्ट बी एडेड टू द ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49 और 68। अब इसमें क्या है, उसमें आपको सेपरेट करना था, इसमें आपको ऐड करना है, सेम प्रोसेस चलेगी, यानी कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स और एक्स को ऐड कर दीजिए। रेशियो आपका कितना बना रहा है वो 3/4। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का 49 में करोगे आप कितना आ जाएगा, 4 9 36, 4 4 16 और 3 196 प्लस 4x इक्वल ये आपका आ जाएगा 4 3 8 24 और 3 6 18, 18 और 2 20 प्लस 3x। अब क्या करोगे आप, मैंने कहा था वेरिएबल्स सब एक साइड अपनी अपनी तरफ से, 204 में से 196 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइड चला जाएगा माइनस में, इधर आपका 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, x बचेगा और x इक्वल आपका आ जाएगा आंसर 8। ये आपका आंसर आ गया, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें सब्ट्रैक्ट की बात की गई है, इसमें ऐड की बात की गई है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्ट बोले तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाओ, ऐड बोले ऐड का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई बोले मल्टीप्लाई का कर दो, डिवाइड बोले डिवाइड का कर दो, बस बाद में आपको करना क्या है, ये प्रोसेस यही रहेगी सेम, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए और देन आप सॉल्व करिए उसको, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी फटाफट, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर एफ, फिर मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड और ऐड वाला, ये बिल्कुल ध्यान से रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजेदार है और थोड़ा सा इसका लेवल भी अप है, अच्छे से समझिएगा कहीं माइंड से स्किप ना हो जाए, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ ए साइकिल एंड ए स्कूटी आर द रेशियो ऑफ 9:5। पता चल गया है आपको, जो दिया हुआ है उसने साइकिल और स्कूटी, इसके लाइन से आपको रेशियो दी गए हैं और रेशियो दिया गया है 9 साइकिल का और 5 दिया गया हुआ है आपका स्कूटी का, हमने लिख दिया हुआ है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन के फॉर्म में। इफ साइकिल कॉस्ट, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था किस तरीके से लिख सकते हैं, इफ ए साइकिल कॉस्ट रुपीज 4200 मोर देन ए स्कूटी, ये आपके साइकिल के हैं भाई और ये आपके स्कूटी के रेट हैं, यहां मैं एक्स ऐड करूंगा इसमें, ठीक है। किस तरीके से करना ये आप समझिए, जो साइकिल की कॉस्ट है वो ये बोल रहा है कि मोर देन 4200 मोर देन एक स्कूटी, यानी साइकिल की कॉस्ट आपकी 9x मान लीजिए और इसे मान लीजिए 5x, तो आपकी जो साइकिल की कॉस्ट है भाई ये आपके स्कूटी की कॉस्ट से भी 4200 ज़्यादा। भाई क्वेश्चन पढ़ के तो मज़ा आ गया कि भाई स्कूटी बड़ी सस्ती हो गई और साइकिल इतनी ज़्यादा महंगी है कि 5 times होने के बाद भी 4200 ऐड हो रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं कितना, और पूछा गया व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ स्कूटी, यानी स्कूटी भाई सस्ती हो गई है, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं, तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे जो क्वेश्चन ने बोला है, अ साइकिल कॉस्ट हमने यहाँ लिखी हुई है रुपीज़ फोर थाउजेंड टू हंड्रेड मोर देन, तो प्लस लगा दिया उसके पहले, किससे है, स्कूटी है, स्कूटी का प्राइस 5x है, यानी इसमें इसको ऐड कर दिया, यानी अब साइकिल का जो रेट है वो इसके रेट से इतना ज़्यादा है, इसका रेट जो आएगा उसमें इतना ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, वेरिएबल्स एक साइड लाइए, 9x - 5x = 4200, ठीक है। यहाँ आपका क्या बचेगा, 4x इक्वल आपका क्या आएगा, 4200, x इक्वल क्या आ जाएगा, 4200 में हमें 4 से डिवाइड करना है। आप जब x का वैल्यू निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 1050, जब आप 4 का डिवाइड दोगे इसमें 4200 में, ठीक है। अब x की वैल्यू पता चल गई, तो भाई अब उसको साइकिल और स्कूटी की भी वैल्यू बता दोगे, साइकिल की वैल्यू क्या आएगी और स्कूटी की वैल्यू क्या आएगी ये देखते हैं। सबसे पहले साइकिल आपकी 9x है और स्कूटी आपकी 5x है, ठीक। चलिए साइकिल 9x है तो 9 में 1050 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 0 45 और 9, ठीक है। अब भाई स्कूटी कितना है, स्कूटी तो 5x है, तो 5x में भी कर दीजिए 1050 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 0255, यानी इतने रुपए की आपकी साइकिल है और इतने रुपए की स्कूटी, भाई जो सस्ती लग रही है वो खरीद लो, ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित अवधि के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है। तो अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, पहले एक बार हम फिर से समझा देते, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, साइकिल का 9x है, स्कूटी का 5x है आपका। तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे इसको क्या करना, जो उसने बोला है कि साइकिल की कॉस्ट स्कूटी की कॉस्ट है मोर देन 4200 है, तो आप इसको कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। देन आप सबट्रैक्ट करिए 9x में से 5x को, 4200 इक्वल आपका एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। अब आपसे उसने स्कूटी की प्राइस पूछे, आप चाहो तो यहाँ साइकिल का कॉस्ट ना भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली स्कूटी का निकालो, आपको 5x पता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5250 ये रुपीज़ आपका आ गया स्कूटी का प्राइस, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर रखे हुए थे, और ये सारे क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के में ही आए हुए हैं, मतलब एंट्रेंस एग्जाम जो भी जितने भी आपके स्कूल्स के हैं उसी में आए हुए हैं, और मैंने वैसे ही क्वेश्चन रखे हैं, आप इनको अच्छे से स्टडी करिएगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, और जो नहीं आए आपको मैंने बोला कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे से सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत भेजूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।